रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आज हम बात कर रहे हैं गूगल सीट के बारे में। गूगल सीट के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे और गूगल सीट ही हमने इंस्टॉल टैब में हमने अभी पिवट टेबल खत्म किया। अब कुछ कुछ मिसलेनियस चीजें हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो बात करते डैशबोर्ड हैं डैशबोर्ड बनवा रहे थे ना आपको? डैशबोर्ड। आपने बना लिया ना? बताना पड़ेगा आप दोबारा क्या। नहीं, हाँ मेरे से बना ही नहीं वो। अच्छा, आपसे बना ही नहीं था। नहीं, चलिए जितना बना था चलिए उतना ही बना था। मैं आपको हम स्क्रीन शेयर कर दूँ। टॉपिक चेंज करते हैं और हम डैशबोर्ड पढ़ते हैं। इतना डैशबोर्ड हमने बनाया था ये तो पता चल गया था आपको। हाँ ये तो चलिए ठीक चलिए है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बार ओपन करता हूँ फाइल को, जो हमने एक्सेल फाइल आपको दिखाया था, डीएसएस था ना। हाँ तो हमने ऊपर का ये जो पार्ट था ये खत्म कर लिया था, राइट। हम नीचे के चीजें हाँ ये चीजें बनानी थी। ये जो इमेजेस जो है सारे गूगल से आपको लेना लेकर आना पड़ेगा। गूगल आइकन पे ठीक सर्च है। करेंगे ना वो तो तो दिख जाएगा, मैंने ठीक है। तो चलिए इसी को पूरा करते हैं। ओके हाँ अब यहाँ पे हम अच्छा गूगल सीट पे अब बात करते हैं एसेसरीज की। ओके तो ये हमारा यहाँ एक थोड़ा छोड़ देते हैं। यहाँ हमारा आता है एसेसरीज, इसको मर्ज करते हैं। मर्ज करने के साथ नीचे तक आते हैं और यहाँ पे हम एसेसरीज को टाइप करते हैं। अब एसेसरीज क्या है, क्योंकि तो आप डेटा में देखेंगे तो डेटा पे मेरे पास टाइप ऑफ सब कैटेगरी दिख रहा है आपको, सब कैटेगरी और कैटेगरी, तो इन्हीं का टोटल हम यहाँ पे निकालें। ओके सर, अब इसको यहाँ से एंटर कर देते हैं। ठीक और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं साइज। बोल्ड। और उसके बाद हम यहाँ इसकी एसेसरीज की जो फोटो वगैरह है गूगल से, आप अपने जो भी आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड फोटो है। फोटो से क्या होता है, फोटो डालना अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कोई इमेज डाल दे तो ठीक रहेगा, हाँ, वो बस थोड़ा देखने में लेकिन अच्छा हाँ इसका लगेगा। लुक थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फोटो डालने से इसका लुक जो है थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए हम डालते हैं। और सामने वाला बंदा जब इस रिपोर्ट को देखता है थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव लगता है और समझ में इजी आता है, उसको पढ़ना नहीं पड़ता है, देखते ही पता चल जाता है। जैसे कि आप मोस्टली वेबसाइट वगैरह पे देखते होंगे ना, हाँ तो इसलिए ऐसा डाला जाता है, ठीक है। ठीक और इसको बोल्ड कर दे। अब मुझे यहाँ पे यही करना है तो मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करता रहूँगा आगे। इसके बाद अप्लायंस है यहाँ पे, तो अप्लायंस का जो फोटो है हम यहाँ पे लेकर आते हैं। ये सब फोटो मैं गूगल से कॉपी करके ला रहा हूँ, दूसरे पीसी पे गूगल पे है उससे ला रहा हूँ, ठीक है ना। ना ठीक है, कोई नहीं। हाँ मैंने आपको जो फेटा भेजा था आपने देखा था क्या? हाँ देखा है आपने, कुछ हद तक बनाया है लेकिन परफेक्शनिस्ट नहीं आया, एक ऐसा ही लग रहा है कोई प्रोफेशनल ने बनाया है। हाँ वो तो है सर। अभी देखिए, मैंने अभी आपको फिर से शेयर किया। अब मेरे को ये सब कैसे लिंक किया आपने? मेरे को बताया था आपने कि यहाँ से इक्वल टू करके वहाँ की वैल्यू उठा लो, बस लेकिन आपने जो सीट भेजा था उसमें कुछ आपने और पिवट डेटा कर कैसे कोई फॉर्मूला लगाया वही है, था। लिंक करने पे वही आता है, जब लिंक करेंगे ना तो पिवट डेटा का ही ऑटोमेटिक पकड़ता है। अच्छा, इक्वल टू करके वैसे करूँगा तो भी। हाँ अच्छा समझ गए। ठीक है। यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ हम बाइंडर उठाते हैं। अब ये सब रिपोर्ट देखिए, ये जो चीजें मैं कर रहा हूँ ना, ये हर रिपोर्ट के साथ नहीं होती। हम उसी रिपोर्ट के साथ करते हैं जिसपे जिसका जो है माने कि फिक्स होता है कि हाँ ये पूरा माने कि ये फिक्स रिपोर्ट हो गया, हर दिन बनाना होता है, उस चीज में करते हैं। और हर रिपोर्ट पे इतना टाइम देने लगे तो पता चलेगा कि काफी टाइम लग जाएगा ना सर। हाँ वो तो है। हाँ
बाइंडर हो गया, और फिर बाइंडर के जो इमेज है, बाइंडर नहीं बुक केस होगा ना। अरे चीज बोलेंगे कहाँ से लेके आए, लिस्ट कहाँ से पता चलेगा मुझे, तो इसके लिए हाँ कुछ ये नहीं रहा करना। आपने हाँ बना रखा। लिस्ट जो यहाँ, इसमें से कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, ये भी एक बात है ना सर। हाँ लिस्ट कैसे पता चलेगा, ऐसे मैनुअली एक एक करके लिखूंगा। तो सिंपल सा आप यूनिक का फॉर्मूला लगा, इसका यूनिक का, यूनिक यूनिक फॉर्मूला लगाने के बाद डेटा में जाइए और अपना जिसका चाहिए उसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए, तो सारे लिस्ट आ जाएंगे। ठीक या है फिर सर। डुप्लीकेट भी हटा देने से आ जाएगा वो तो। हाँ वो भी हटा सकते हैं, लेकिन यूनिक फॉर्मूला भी लगाएंगे तो बेटर रहेगा। ठीक ओके ठीक बुक केस हो गया, उसके बाद ऑफिस सप्लाई, तो इसी को इस तरह से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना। और ठीक यहाँ तो जब देखिए हमने यहाँ पे जस्ट लिंक किया हुआ है, तो लिंक हमने सिखाया था लास्ट क्लास में ना, देखिए हाँ इसका टू ये तो फर्स्ट। आपने एक्सेल वर्कशीट देखा था, ये इसका फाइल में हाँ वही जाता है, कह गूगल रहा शीट का फाइल नहीं देखा था आपने, नहीं, गूगल गूगल शीट का शीट का वाला फाइल मेरा में खुला ही जाता है। नहीं था ना, क्या बात है, गूगल शीट का जो मैंने लिंक भेजा था उस लिंक क्यों नहीं खुलेगा, आपको बताया तो था कि ताकि एडिट का एडिट का ऑप्शन नहीं ऑप्शन आ नहीं रहा आ मेरे रहा। को। अच्छा एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप देख तो सकते हैं ना उसको आप। हाँ बट वो फिर हाँ देख तो सकता था। वो बेसिकली मैं शेयर करते समय भूल गया था कि एडिट का ऑप्शन देना है। हाँ कोई बात नहीं, कोई ऑफिस नहीं, फोटो सप्लाई नहीं भी देख लगाओगे तो लेना आप चलेगा। आपने। मेरे को बस ऐसे ही बताओ कि वो सब कैसे, आपने वो सब चीजें लिंक कराया था हाँ एक बार उसका, आप यहाँ बना तक ही रहे हैं क्लिक। तो सर, अब जब टाइम नहीं दिए तो इसी को परिपूरा कर ही देते हैं, क्या दिक्कत। हाँ, कोई नहीं। हो ही गया, हाँ कोई नहीं। बस लास्ट है फर्नीचर का। फर्नीचर इसको सेलेक्ट किया, कॉपी, और इसको सेलेक्ट। अब देखिए मैं पिक्चर कॉपी कर रहा हूँ, बट पिक्चर कॉपी होके नहीं आ रहा, दिख रहा है सर, इस पिक्चर तो केस मेरे में को क्या दिख नहीं करें, रहा पिक्चर आ ही रहा है सर, है। अच्छा कोई नहीं, मतलब दूसरे शीट से मैं मतलब दूसरे जगह से कॉपी करके ला रहा हूँ, तो अगर पिक्चर लाते समय ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप जो क्या करें हाँ उसको पेंट में कॉपी करें, फिर पेंट से कॉपी करें और फिर लेके जाए अपने इस पे। नहीं आ रहा। तो आई ना पिक्चर, और टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी नहीं दिख रहा है, बस पिक्चर पिक्चर ही दिख रहा है। हाँ टेक्नोलॉजी पे इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं था, ये लिखा हुआ टेक्नोलॉजी था, टेक्नोलॉजी डाल दी। फर्नीचर में ऐसा प्रॉब्लम हो रही है तो हम चलते हैं गूगल पे और दोबारा से दूसरा फर्नीचर का हाँ फोटो लेके आते हैं। फर्नीचर का फोटो मैं भी सारा इमेज, गूगल से ही डाला था फोटो। इमेज लोगो दे दीजिए, फर्नीचर लोगो कर लीजिए, ठीक रहेगा ना, लोगो में सब कुछ आएगा, वरना कुर्सी का हाँ फोटो आ जाएगा सिर्फ। हाँ या फर्नीचर 3D कर सकते हैं, 3D भी अच्छा रहता है, आर्ट में आ जाता है। फर्नीचर आइकॉन, ठीक है, इसमें से कोई हाँ अच्छा सा फर्नीचर उठा लीजिए जो आपके सूट करता हो। यही तो, ये कलर वाला जो है सेकंड नंबर वाला, नीचे सेकंड वाला। ऊपर ये बाल है, चलो अब इसी को उठा लेते हैं क्या। ठीक कॉपी इमेज और गूगल शीट पे आते हैं, पेस्ट करते हैं। इमेज पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, कोई नहीं, इसको वो कर लीजिए ना। इमेज
इंसर्ट कर नहीं लीजिए पहले। अच्छा इधर सिलेक्शन क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। ये मर्ज को उसे पेस्ट कर रहा है। इंसर्ट कर इंसर्ट लीजिए नहीं इसको होता। पहले। हाँ ऐसी प्रॉब्लम है तो इंसर्ट ड्राइंग इमेज, इमेज फॉर ओवर द सेल, इंसर्ट सेल ओवर द सेल। अब यहाँ पे बाय यूआरएल, नहीं, यहाँ सबसे लास्ट गूगल इमेज है ना। और गूगल इमेज पे भी कर सकते हैं, फिर से सर्च करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी को ले लेते, चलिए सर। ठीक सर। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ मुझे टोटल चाहिए ना, थोड़ा सा मैं पकड़ के मर्ज कर देता हूँ, मर्ज। और मर्ज करने के बाद इसकी बैकग्राउंड कलर को कर देता हूँ ग्रीन, और इसकी टेक्स्ट कलर कर देता हूँ व्हाइट। ठीक है सर। ठीक अब इसको कॉपी किया, पेस्ट। और इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, पेस्ट इसको भी छोटा करना पड़ेगा, पेस्ट इसको भी छोटा करना पड़ेगा, पेस्ट। तो ऊपर वाला जो हमारा हेडिंग है वो एक शीट पे है, और ये एक शीट पे हो गया, तो ये थोड़ा सा पिक्चर अगर ऊपर नीचे भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है सर। अब इसकी डेटा की बात आती है, इसका डेटा तो पिवट टेबल पे चलते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर आ गए। अब दूसरी पिवट टेबल हम लगाएंगे इंसर्ट कर, जिसमें हमें अपना फर्नीचर के हिसाब से चाहिए। ठीक है, ठीक तो यहाँ हम करते हैं इंसर्ट पिवट टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और रेंज पे जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं एंड क्रिएट। तो यहाँ पे क्लिक करके इस पे क्लिक करना पड़ेगा। अब मुझे इसमें मैं एक काम करता हूँ, रो फील्ड के अंदर में हम कैटेगरी डाल देते हैं, कैटेगरी। ठीक है, और वैल्यू में ठीक वाले में क्वांटिटी शो, या जो डालना चाहते हो डाल। अब इसमें यहाँ से क्लोज करता हूँ मैं। अब पिवट टेबल को वापस इसको कॉपी करके हम इसे पेस्ट करेंगे सब कैटेगरी। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके एडिट आते हैं। अब यहाँ से कैटेगरी हटा देते हैं, सब कैटेगरी हटा देते हैं, कैटेगरी को रख देते हैं। तो दो आ गया सर। अब ये दोनों को करना है लिंक हाँ करना, दोनों को क्या करना है, लिंक करना। लिंक। अब प्रॉब्लम ये है कि कैसे लिंक करें, क्यों दिक्कत ये है कि ये तो ऊपर नीचे हर चलता है ना। मान लीजिए कि मैं हाँ, हर डैशबोर्ड सकता में गया और एसेसरीज को लिया, इक्वल करके पिवट टेबल में हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, ये आ गया, आ गया सर। बट ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, प्रॉब्लम ये है कि कल के डेट में मैंने शॉर्ट कर दिया इसको, पिवट को शॉर्ट कर दिया। एडिट पे
अच्छा सॉर्टिंग ठीक है, हाँ सॉर्ट ही ठीक है, सो एज, या कोई चेंजिंग कर दिए, सॉर्ट कर दिए, दिक्कत हो जाती है ना यहाँ पे, सब कैटेगरी आ गया, यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग है ना, अब यहाँ पे डिसेंडिंग असेंडिंग कर रहे हैं। अब देखिए बुक केस का आ रहा है 38,000 आ रहा है ना, डेटा पे जाके देखेगा कि यहाँ पे 38,000 आ रहा है। चेंज हो गया सर, चेंज हुआ ना यहाँ सर, तो ठीक है यार। हाँ 38,660 आ गया ना बुक केस का। ऐसा सीरीज का क्या होना चाहिए, 36 आना चाहिए ना, ऐसा चाहिए। हाँ 38 आया, क्योंकि इसको पिवट से लिंक ही नहीं है, ये तो जस्ट J2 को लिंक किया हुआ है। किसको लिंक किया हुआ है, J2 को लिंक किया हुआ है। को अब यहीं पे छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसीलिए हमने जो एक्सेल फाइल भेजा था उसमें हमने क्या इस्तेमाल किया था, गेट पिवट का गेट डेटा, गेट पीवर। पिवट। गेट पिवट में शॉर्ट में दिक्कत नहीं है, वो वैल्यू के फील्ड के अकॉर्डिंग लगता है। तो क्या यहाँ गेट पिवट का डेटा चलता है, यहाँ गेट पिवट का डेटा तो यहाँ भी चलता है, तो क्यों ना गेट पिवट की हाँ वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, वैल्यू नेम। अच्छा इसमें एक मिनट, लेकिन वहां गेट पिवट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, यहाँ पे कोई सेटिंग ऐसा नहीं है जिसपे पता चले। ओके एक मिनट, मैं दोबारा लगा कर देखता हूँ गेट पिवट का डेटा, गेट पिवट का फॉर्मूला, नहीं तो फिर वी लुकअप का गेट ही कीवर्ड है। से तो लग गया था, मैंने लगाया था, लग गया था। तो कैसे लगाया था आपने, मैं इससे पहले नहीं लगाया इसलिए बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। गेट कीवर्ड था ऐसे, सारा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। एनी पिवट टेबल सेल, सारा ही सारा सेलेक्ट करना। पूरा आ गया था। एक सेकंड, मुझे मैं आपको लगा स्क्रीन शेयर स्क्रीन करूं। करूँ, नहीं मुझे इसके लिए वीलू का भी तो लगा सकते हैं, क्या दिक्कत, क्या यहाँ कैसे? हमने एसेसरीज को ले लिया कॉमा और पिवट टेबल पे गए, इसको सेलेक्ट कर लिया कॉमा 2,0, वीलू का बेटर, ऐसे ही बेटर है ना। ठीक अब मुझे आगे इसको ड्रैग करना है, तो मैं यहाँ पिवट टेबल की जो है, रेंज रीच है कर फ्रीज दूंगा। कर दूंगा। गेट पिवट में आपको जो है हर सेल पे अलग लगाना पड़ता, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, तो इसको कॉपी किए इसमें पेस्ट करते हैं। अब इनने आ रहा है, तो देख लेते हैं इसमें इनने क्यों आ रहा है। अच्छा यहाँ पे आ गया ना, अप्लाइंस कहाँ है, अप्लाइंस आपका है डेफिनेट जी है, ई नहीं एफ है, इसमें ई की जगह पे हमें एफ कर देना। आ गया सर, हाँ इसमें भी आ गया 36, देखिए आ ले लिया अपने आप, इसमें भी ले लिया, इसको भी ले लिया, एक पिवट टेबल लगाया और बाकी सब आ गया, इनने आ गया, इनने आए क्यों, क्योंकि ये दूसरे पिवट से, दूसरे डेटा से, एल से एम है, तो ठीक है। इसमें हमें यहाँ आई के जगह पे एल करना होगा और जे के जगह पे एम करना होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो गेट पिवट से अच्छा हो। इसमें नहीं है तो इसमें मैनुअली यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना चाहिए था लेकिन हमने लिखा नहीं, हाँ लिख तो ये टेक्नोलॉजी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ मैनुअली U8 के जगह पे ठीक इन्वर्टेड कॉमा में टेक्नोलॉजी लिख देते हैं। एक मिनट, ये क्या हो गया, ओके सर, और फिर यहाँ पे है। फंडिंग सर आ गया। अब ये अमाउंट में है, आप इसको अगर चाहते हैं कि नहीं K में आ जाए, तो क्या बताया था आपको मैंने, फॉर्मेट, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट, कस्टम नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पे हमने हैश K अप्लाई किया था ना, ताकि अच्छा से दिखे, ताकि मैंने जरा दिमाग ना लगाना पड़े, सिंपली दिख जाए, ठीक है सर। अब आता है हमें सेल्स जोन बाइक चाहिए,
जोन वाइज मुझे सेल्स के टोटल चाहिए। ठीक तो इसके लिए हम पिवट टेबल को लेते हैं वापस, यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करते हैं और एडिट पे आते हैं, यहाँ एडिट पे, और यहाँ से कैटेगरी हटाते हैं और जोन को रखते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर इसके ऊपर हम चार्ट लगाते हैं, जैसे मान लीजिए सेंट्रल का मुझे अलग चार्ट चाहिए, तो इंसर्ट चार्ट्स में मैं गया, तो यहाँ गड़बड़ हो गई ना सर, तो मैं कुछ अलग चार्ट चाहता हूँ, तो इंसर्ट और यहाँ पे चार्ट्स पे आया और पाई चार्ट की जगह पे ये वाली चार्ट, बट इसमें दिखा नहीं रहे 100% में, दिख रहा है सर कुछ? अभी यहाँ पे लेवल आ गया आपका 0 और ये आ गया सेल्स वैल्यू, एड सेल्स वैल्यू। अब यहाँ पे छोटी सी दिक्कत हो गई ना, सबसे पहले इसको हम कैलकुलेशन आपने किया था ना पिवट टेबल में, यहाँ पे क्वांटिटी सोल्स में मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ब्रांड सबसे पहले, और इसकी चार्ट के एडिट चार्ट कस्टमाइज में आते हैं, गज चार्ट स्टाइल, गज मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 100 है, मैक्सिमम ठीक है ना सर, ताकि पता चले 20% हुआ है, समझे सर कि नहीं? नहीं समझ यहाँ पे 20% हुआ, 100% से 20% है कंट्रीब्यूशन, में। 100% से 20% का मतलब यहाँ देखिए सेंट्रल के, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंट्रल जो है, सेंट्रल में 20.79% का कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल की सेलिंग सेल्स, ठीक तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये सेंट्रल 20% है यहाँ पे, हाँ इसलिए ये चीज किया हमने। अब इसको यहाँ से कट करके हमें अपने डैशबोर्ड में ले आना, यहाँ से हट गया, अच्छा यहाँ भी है वहां भी आ गया, कट करने पे, कट करने पे कॉपी पेस्ट हो जाता है। मैंने तो यहीं का रेंज लेके यहीं का लगा ही दिया। हाँ तो यहाँ अलग है ना, मैं हमें तो यहाँ पे फिगर नहीं है मेरे पास, मैं फिगर नहीं दिखाना है इसमें, ठीक है? ठीक है अब सेंट्रल आया है तो मुझे अब ईस्ट का भी लेना है, तो इंसर्ट करते हैं, अब एक एक करना है ना सर, तो हालांकि इकट्ठा सेलेक्ट करके भी किया जा सकता है, इसको इकट्ठा सेलेक्ट कर लें और इंसर्ट चार्ट, सॉरी पिवट टेबल लग गया, इंसर्ट चार्ट, अब इस पे ऊपर पाई चार्ट की जगह पे हम ये वाले गैट चार्ट ले लेते हैं, तो अलग अलग आ जाए, तो सेंट्रल बेस्ड इसी आ रही है। अब इसको सेलेक्ट करके मुझे एडिट चार्ट पे आना है और इसके कस्टमाइज में जाना है, और गज पे 0 से 100 दिख रहा है ना कि परसेंटेज में है, तो 0 से 100 नहीं होगा, 0 से 1 होगा, क्योंकि 1 इक्वल टू 100%, यहां देखिए 100% आ गया क्या सर? अब हाँ मुझे ये जो चार्ट्स हैं इस वे सेंट्रल उसको इस तरह से चाहिए, तो ये सही रहेगा, वो जो हमने अलग अलग किया ना, अलग अलग करना सही नहीं रहेगा, ये बेटर है क्या सर? हाँ ये बेटर है ना। अब यहाँ से इसको कट हाँ करें, कट यहाँ पर राइट राइट कंट्रोल माउस, एक्स कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ पे कट करने के बाद भी वहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं तो चार्ट यहाँ रह जाता है, यहाँ देखिए यहाँ भी रह जाए, रह गया ना, हाँ यहाँ भी है। हाँ तो तो यहाँ पे मैंने आते क्या हैं। किया था, इसको डायरेक्ट वहीं पर लिंक कर हाँ दिया था। तो लिंक तो वहीं से है, ये जो लिंक जो दिख रहा है ना आपको, नहीं, ये मैंने 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 इसको मेंशन ही यहीं पे कर दिया था।
हाँ तो इसकी ये मैंने चलो, क्या कहते हैं। हाँ बेटर है ये, अच्छा रहेगा, अच्छा दिख रहा है। अब क्वांटिटी सेल्स का आ रहा है, हाँ इसके जगह पे लिख दीजिए जोन सेल्स शेयर, ठीक है जोन सेल्स शेयर, ठीक है सर, ठीक बेटर है। अब यहां पे है। आता है हाँ मुझे ईयर वाइज नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मुझे क्या चाहिए, ईयर वाइज नंबर ऑफ ऑर्डर। तो मैं, अच्छा इसमें करियर चार्ट पे आता हूँ, कस्टमाइज चार्ट ऑफ टाइटल्स, मैक्सिमम कर देंगे तो सही रहेगा, बड़ा हो जाएगा, मैक्सिमम सही रहेगा। और उसके बाद पिवट टेबल में हम आते हैं और आगे जो हमारा ये सेम इसी चीज पर लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं पिवट को। अब एडिट करते हैं इसमें, एडिट, और इसमें हम जोन को हटाते हैं और रीजन कस्टमर जोन प्रॉफिट का डेट को लेते हैं, और क्वांटिटी सोल्ड तो है लेकिन इसके लिए मुझे डिफॉल्ट करना पड़ेगा इसको। अब डेट में हमने किया तो, लेकिन क्या दिख रहा है, वो देखते हैं, डेट आ रहा है, अ सॉर्ट बाय डेट है। ओके इस पे राइट क्लिक कर, ग्रुप का सिस्टम है इसमें। अब डेट वाइज ग्रुप कैसे होगा सर, एक्सेल में तो ग्रुप का सिस्टम आता है बट इसमें ग्रुप का सिस्टम नहीं है, ताकि हम इसको ईयर वाइज ग्रुप कर सकें। तो इसके पास हमारे पास एक ही उपाय है कि हम डेटा में आते हैं और डेटा में आने के साथ हम यहाँ ईयर को एक्सट्रैक्ट करें, समझ गए सर। तो एक हम इंसर्ट करते ठीक हैं एक कॉलम और इसमें देते हैं ईयर, क्योंकि ईयर की जरूरत आगे भी है सर। तो यहाँ पे हम करते हैं ईयर का फॉर्मूला और ईयर का फॉर्मूला लगाते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग। अब बीच में क्यों लिया मैं, क्योंकि हम पिवट लगा चुके हैं, अगर फिर अगर हम हाँ करेंगे तो फिर पिवट के स्लाइसर वर्क नहीं करेगा, इसलिए बीच में करने से क्या तो होगा कि जैसे पिवट इंक्रीज जैसे हो जाएगा। हम एक जैसे एक साल में हम ऐड कर देते हैं, एक नया नहीं कर देते हैं, वो उस पे हाँ जाके क्या कहते हैं आपका रो इंसर्ट कर देते वैल्यू हैं, जो चेंज कर देते हैं उसको। देखिए अब यहाँ पे हम ईयर को यहाँ रखते हैं रो में, और हम सोल्ड क्वांटिटी को रखते हैं वैल्यू, और इसके ऊपर इंसर्ट करते हैं अपना चार्ट, और चार्ट में हम इंसर्ट यहाँ पे चार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, लाइन चार्ट ही चाहिए हमको, लेकिन लाइन में हमें स्मूथ चार्ट चाहिए, स्मूथ लाइन चाहिए, तो ये स्मूथ लाइन हम ले लेते हैं। और उसके बाद कस्टमाइज में आते हैं, इसके सीरीज वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसमें ऑटो के जगह पे पोजीशन इमेजिन पे आ गया ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हाँ मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो यहाँ आप नंबर देख पा रहे हैं ना, एक सम ऑफ से क्वांटिटी आ गई ना,
तो इसमें हमें इसकी ये चेंज करना होगा हमें इसका, इसको सेव कर के क्या एडिट चार्ट कस्टमाइज में इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है इसका मिनिमम एक्सिस चेंज करना है। तो मिनिमम इसका 0 कर देते हैं और मैक्सिमम इसका कर देते हैं 20। ऑफलाइन ब्रांच में, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो दिख रहा है आपको इसको भी इसने ले लिया हुआ है डेटा, दिख रहा है ना यहाँ पे 10,000 20,000 आ रहा है ना, ये गलत है, हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले चार्ट में आइए, डेटा रेंज आ गया ईयर, ये वाई एक्सिस जो है ईयर है, इसको रिमूव करते हैं। हाँ इस एग्रीगेट पे क्लिक करना होगा तब ईयर दिखेगा, ठीक है सर। ठीक और इसमें कस्टमाइज में चार्ट स्टाइल, चार्ट एक्सिस टाइटल सीरीज डिजाइन वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस ग्रिड लाइन एंड टेक्स, वर्टिकल ग्रिड नहीं चाहिए मुझे, हॉरिजॉन्टल ग्रिड चाहिए। और इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर, और इसको फिर यहाँ से सेम कट करके ले जाइए इसके बाद, इसको छोटा कीजिए। ठीक है सर, ठीक अब इसमें हमारा सेल शेयर चाहिए कि हु कॉपरेट और इसका कितना सेल हुआ है, इसका सेल शेयर चाहिए, इसको डिलीट करते हैं। और एक और पिवट यहाँ लगाना पड़ेगा मुझे, और इस पिवट के एडिट करते हैं, और इसमें यहाँ से जोन हटा के कैटेगरी सब कैटेगरी टाइप टाइप ऑफ कस्टमर कस्टमर यहाँ रखना होगा, कस्टमर क्वांटिटी सेल को हटाइए, क्वांटिटी यहाँ पे यहाँ आना चाहिए, सेल्स वैल्यू, और सेल्स वैल्यू यहाँ कंट्रीब्यूशन चाहिए कि किसका क्या सेल पर्सन है ये चीज। और फिर इस पे इंसर्ट करना है हमें चार्ट, और ये वाटरफॉल चार्ट भी सही रहेगा, और वाटरफॉल चार्ट नहीं होता सिक्वेंट चार्ट बोलते वाटरफॉल चार्ट, इसमें अगर वाटरफॉल चार्ट नहीं सही रहेगा तो ये चार्ट भी चल सकता है, लेकिन तो हाईएस्ट लोएस्ट दिखाता है, ये अच्छा नहीं, इंस्टाग्राम चार्ट नहीं, इसके लिए यही रहेगा सर, वाटरफॉल चार्ट ही सही रहेगा, इसमें सब टोटल भी दिखा रहे हैं कि ओवरऑल सेल कितना है, या अगर नहीं ठीक लगा तो नॉर्मल जो चार्ट है वो ले लीजिए, तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसकी। ठीक है सर,
अब इसमें देखिए ग्रांड टोटल, अभी यहाँ दिक्कत हो रही है ना, ग्रांड टोटल भी आ गया हुआ चार्ट, तो ग्रांड टोटल चार्ट में कभी नहीं आना चाहिए, याद रखिए। तो यहाँ पे हमें डेटा ए वन से एम थर्टी में एच पीवट टेबल में आ गया, एडिट चार्ट में आते हैं, बी फाइव पे जगह पे फोर कर देते हैं। अब सही है सर, और इसके लिए यहाँ राइट क्लिक कर, तीन ही है ना सर, सर कस्टमर को भी ले लिया, इसलिए सेलेक्ट करके चार्ट लगाना चाहिए, वन के जगह पे टू। और इसको, और जब भी इस तरह का चार्ट शेयरिंग कंट्रीब्यूशन दिखाएं तो आप जो है डेटा को सॉर्ट कर लें, तो पिवट टेबल में जाके हमें नहीं इस पे, अच्छा इसमें वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट भी नहीं होता है, इसमें पिवट टेबल बहुत कम है, मतलब की चीजें हैं इसमें, देख रहे हैं मुझे सॉर्ट करना है तो सॉर्ट भी नहीं हो सकता। हाँ नॉर्मल डेटा की सॉर्टिंग है क्या, वो कर सकते हैं हम एक बार देखें, और इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ सॉर्ट रेंज, रेंज जे टू ए, मेरा डाइट है जहाज हीटर, और जे टू है, एट जे टू है कस्टमर में सेल्स ऑफ वैल्यू शॉर्ट, अब सही है। अभी तो वही आ रहा है, पिवट में शॉर्ट में ही प्रॉब्लम होती है, इसको कर करके यहाँ पे देख सकते हैं।